Okay, so welcome back to the channel Anees Surf Technology. So in this session, we are going to discuss another very important question of the practical based fascinating number. Fascinating number. So what exactly the fascinating number? Okay, given a number n, the task is to check whether it is fascinating or not. फैसिनेटिंग है या नहीं है. तो फैसिनेटिंग नंबर की कुछ अपनी कंडीशंस होती हैं. सबसे पहले तो नंबर शुड बी 3 digit और मोर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 192 को लिया. इट इज अ फैसिनेटिंग नंबर. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा. उसके बाद 192 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आएगा, राइट? उसके बाद हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा. अब इन सारे रिजल्ट्स को हम कॉन्कैटिनेट करेंगे. कॉन्कैटिनेट मतलब इन सारे रिजल्ट्स को हमें जोड़ना है. वन मिनट. तो 192 हमारा एक रिजल्ट है एंड 384 हमारा सेकेंड रिजल्ट है जो कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया, और 576 हमारा थर्ड रिजल्ट. बस 3 ही बार हमें मल्टीप्लाई करना है. अब ये जो पूरा नंबर आ रहा है आफ्टर कॉन्कैटिनेशन, इसमें 1 से लेकर 9 तक सारी डिजिट्स अकर करनी चाहिए. तो लेट मी चेक, क्या 1 से लेकर 9 तक सारी डिजिट्स अकर कर रही है या नहीं कर रही? अगर कर रही है देन इट इज फैसिनेटिंग, अगर नहीं कर रही है तो ये फैसिनेटिंग नहीं. ओके, तो कर रही है. देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 and 7, then 8, then 9. Understand? तो ऐसे सारे नंबर जिसमें 1 से लेकर 9 तक डिजिट सारी अकर करे उसको फैसिनेटिंग कहते हैं. अब इसमें एक पॉइंट और लिखा है, देयर कुड बी एनी नंबर ऑफ जीरोस आर इग्नोर्ड. यहां पे लिखा है ये, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें कुछ जीरोस आ जाते हैं तो वो जीरो चाहे लास्ट में हो या बीच में हो, उन्हें हमें इग्नोर करना है. और वो चाहे जितने भी जीरोस हो, उन सारे जीरोस को हमें इग्नोर करना. ठीक है, तो इग्नोर करने के बाद 1 से लेकर 9 तक सारी डिजिट्स अकर करनी चाहिए. तो इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं. प्रैक्टिकली मैं इस प्रोग्राम को आपके सामने बना रहा हूं. 1 मिनट. देखो यहां पर इनपुट 353, आउटपुट इज नो, क्योंकि 353 को अगर हम 2 और 3 से मल्टीप्लाई करें, 853 को जब हम 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बनकर आएगा. इसमें 1 से लेकर के 9 तक सारी डिजिट्स नहीं है. 4 इज मिसिंग एंड नंबर 5 हैज अपीयर्ड मल्टीपल टाइम्स. जब कोई नंबर मल्टीपल टाइम होगा तो वो किसी ना किसी डिजिट को ऑक्यूपाइड करेगा, तो एक डिजिट शॉर्ट हो जाएगा. अब इस प्रोग्राम को बनाते हैं. तो इस प्रोग्राम के लिए इसे कॉपी कर लेते हैं फैसिनेटिंग नंबर को, और लेट मी स्टार्ट द ब्लूजे. तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे एंड डिफाइन अ क्लास, because Java is a purely object-oriented programming language. Without class, we cannot start program. अब इसे हमने paste कर लिया, और fascinating number. Just click OK. This is my coding window. Control A and delete. Class का नाम वही रखेंगे जो हमने starting में decide किया है. Now, public static void main, string args, and I just want to import java.util for a scanner class. System.in intn. Okay.
जब हम यूजर से कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो वो कोई भी हो सकती है, हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी हो सकती है और हमारे कंडीशंस के अगेंस्ट भी हो सकती है। तो हमने नंबर इनपुट करा एन इज इक्वल टू ओबी डॉट नेक्स्ट 90। इस नंबर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे फॉर बेटर चेकिंग। तो अभी k इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग और किसी भी ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ अगर हम किसी डेटा टाइप को कॉन्कैटिनेट कर दें तो डैट नंबर विल बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। तो नाउ द नंबर हैज बिकम इनटू द स्ट्रिंग एंड स्टोर्ड इन के। इफ l इज इक्वल टू k डॉट या len इज इक्वल टू k डॉट len, I am just finding the length of the number. If the length of number is greater than equal to 3, then it's okay. तीन डिजिट का अगर नंबर है तो ठीक है। According to the question, एक बार फिर हम क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर तीन डिजिट या तीन से ज्यादा का होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो अगर उसकी लेंथ 3 या 3 से ज्यादा है तो हम प्रोसीड करेंगे फैसिनेटिंग नंबर की चेकिंग के लिए, अदरवाइज हम एल्स पार्ट में ये डिस्प्ले कर सकते हैं नंबर इज शॉर्ट लेंथ वाइज। अंडरस्टैंड ओके। अब यहां पर कैसे हम नंबर में कॉन्कैटिनेशन करें, के में हमारे पास 192 तो है, हमें 192 मल्टीप्लाई 2 भी चाहिए है और 192 मल्टीप्लाई 3 भी चाहिए। तो k इज इक्वल टू k प्लस k n मल्टीप्लाई 2 प्लस n मल्टीप्लाई 3। अभी सिर्फ हम इतना टेस्ट कर रहे हैं कि नंबर तीन बार मल्टीप्लाई होने पर कॉन्कैटिनेटेड नंबर हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो लेट मी चेक द वैल्यू ऑफ k अभी चेकिंग पर्पस के लिए। कभी कभी पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले हमको थोड़ा बहुत टेस्ट करना होता है, तो दो चीजें हम टेस्ट करते हैं। लेट मी कंपाइल, लेंथ इज नॉट डिफाइंड, तो हमने लेंथ को डिफाइन कर लिया। Now there is no error. अभी हम दो चीजें चेक करेंगे, एक तो नंबर अगर तीन डिजिट का नहीं है तो, और नंबर अगर तीन डिजिट का है तो कॉन्कैटिनेट होने के बाद प्रॉपर नंबर फॉर्म हो रहा है या नहीं। वन मिनट, राइट क्लिक 12, नंबर इज शॉर्ट लेंथ वाइज। नंबर दो डिजिट का है, थ्री डिजिट का नहीं। अब अगर नंबर 192 है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में क्या आना चाहिए पहले आउटपुट देख लो। आउटपुट यहां पर है, हमारा ये आउटपुट आना चाहिए आफ्टर कॉन्कैटिनेशन। ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, आना चाहिए। अगर आ रहा है तो हम लोग राइट ट्रैक पे हैं। चेक, अंडरस्टैंड, देखो इसका मतलब कॉन्कैटिनेशन प्रॉपर हो गया। ओके, नाउ आई एम गेटिंग द नंबर 192 384 576 आफ्टर कॉन्कैटिनेशन, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड। नंबर को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 384 आया, और 192 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 576। क्लियर? ओके, अब हम आगे चल रहे हैं फास्ट। तो अभी इस लाइन को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि चेकिंग पर्पस के लिए। अब एक काम और करना है हमको यहां पर, फॉर i इज इक्वल टू 0 i लेस देन k डॉट लेंथ।
इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेकिंग. हम नंबर को लूप को जीरो से लेकर के डॉट लेंथ तक चला रहे हैं एंड आई एम जस्ट काउंटिंग हाउ मेनी जीरोस आर देयर. हाउ मेनी जीरोस आर देयर. एक काम और भी कर सकते हैं हम, एलियन इज इक्वल टू के डॉट लेंथ. हमने नंबर की लेंथ फाइंड आउट कर ली और इसको लेस देन एलियन तक भी चला सकते. क्लियर? वेट वेट वेट. इफ के डॉट कैरेट आई अगर जीरो के बराबर है देन जेड प्लस प्लस. हम सिर्फ जीरो काउंट कर रहे हैं अभी, डोंट वरी, सारे जीरो काउंट हो गए. अब अगर एलियन माइनस जेड यानी लेंथ में से, टोटल लेंथ में से अगर हम नंबर ऑफ जीरोस हटा दें और उसके बाद अगर नंबर की लेंथ नाइन के बराबर है तो वो फैसिनेटिंग नंबर हो सकता है. लेकिन जीरो को हटाने के बाद अगर उसकी टोटल नंबर ऑफ लेंथ नाइन से कम हो जाती है तो वो फैसिनेटिंग नंबर नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी चेकिंग है, अगर लेंथ माइनस जेड, एलियन माइनस जेड इज इक्वल टू नाइन है तो इसका मतलब है कि वो फैसिनेटिंग नंबर हो सकता है. अदरवाइज यहां पर हम डिस्प्ले कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. मैं अभी बताता हूं कि एग्जैक्टली इस कंडीशन का मतलब क्या है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नॉट फैसिनेटिंग नंबर. इससे प्रोसेसिंग स्पीड प्रोग्राम की बढ़ जाएगी. जैसे अभी एक क्वेश्चन था, यहां पर देखो, ये इस नंबर को हम लेते हैं, कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहां पर थोड़ा पेस्ट कर. अब बताओ कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है. 3, 6, 9, 11. यानी लेंथ इसकी 11 है और जीरो कितने हैं इसमें, एक ही जीरो है. अब लेंथ 11 थी, 11 में से अगर हम जीरो को माइनस करते हैं तो 11 नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, एक. तो 11 माइनस 1 कितना आया, 10. और 10 हमारा 9 के बराबर नहीं, तो हम पहले ही डिक्लेयर कर देंगे इट इज नॉट अ फैसिनेटिंग नंबर. तो जीरो हटने के बाद नंबर की लेंथ 9 के बराबर होनी चाहिए. तभी 9 के बराबर इसलिए क्योंकि हर एक नंबर अगर एक बार आएगा तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 9, तो 9 डिजिट्स तो होनी चाहिए उसके अंदर. क्लियर? तो पहले ही हम डिक्लेयर कर देंगे इट इज नॉट अ फैसिनेटिंग नंबर और ये फैसिनेटिंग नंबर नहीं. अंडरस्टैंड? देख लो, फिर से देख लो, 11 माइनस 1 कितना आएगा, 10. और 10 हमारा 9 के बराबर नहीं. ओके ओके. अगर और एग्जांपल्स हैं तो एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं. अभी तो यहां पर सैंपल में तो दो ही एग्जांपल दिए हैं, और एग्जांपल्स हम लोग नेट से चेक कर सकते हैं. वेट, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. यहां पर इसको हम रिमूव कर देते हैं. अब हम मान के चल रहे हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स 9 है, तो 9 डिजिट होने का मतलब ये नहीं कि वो फैसिनेटिंग हो. 9 डिजिट का मतलब है 1 से 9 तक सारी डिजिट एक एक बार. एक मिनट देखो, बहुत ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है. कितनी डिजिट्स हुई, 5, 5 हुई, 6, 7, 8, 9. हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर, पूरी चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक और ले लेते हैं 7. तो अब कितनी हो गई टोटल नंबर ऑफ डिजिट, 9 डिजिट हो गई है. लेकिन क्या ये फैसिनेटिंग है? 9 डिजिट होने का मतलब नहीं है कि ये फैसिनेटिंग है. 9 डिजिट में सारी डिजिट 1 से 9 तक 9 होनी चाहिए, तो ये 1 से 9 तक नहीं है. देखो इसमें क्या मिसिंग है, अगर 2 डबल आ रहा है तो कोई ना कोई डिजिट मिसिंग होगी. देखो 8 मिसिंग है, 9 मिसिंग है, ये दो इंपॉर्टेंट डिजिट हमारी मिसिंग है, तो ये फैसिनेटिंग नहीं. अब देखो यहां पर आ गए हम,
I is equal to zero, I less than alien, main part चल रहा है, अभी हम सारे samples पे test करवा देंगे, if, अगर, एक मिनट, for char I is equal to zero, I less than equal to 9 and I plus plus character 0 से लेकर 9 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक सारे character present होने चाहिए. If n dot k dot index of I is equal to minus 1 है, तो f is equal to 1 and break. ऑब्वियसली के ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड होगा ही क्वेश्चन में. तो यहां पर f is equal to 0, wait, if अगर f की वैल्यू 0 के बराबर है, then fascinating number, else not fascinating number, not fascinating number. Wait, अभी program हुआ है, just अभी हम इसका proper dry run करेंगे. Okay, the I is undefined. Wait, I को हम यहां पर भी डिफाइन कर सकते हैं. आई विल टेक केयर ऑल द एरर्स, देयर इज नो एरर. क्लियर? वेट, ये एरर नहीं है वैसे. ओके, अब इसको हम टेस्ट करते हैं. तो वी हैव द टू नंबर्स इन द सैंपल, वन इज अनदर, वन इज वन वन मिनट, अनदर वन इज 853, 192 एंड 853. इन दोनों पे टेस्ट करते हैं. तो सबसे पहले राइट क्लिक, वाइड मीन, प्रोग्राम इज रनिंग इन बैकग्राउंड, दिस इज प्रोग्राम 192, इट इज शोइंग नॉन फैसिनेटिंग नंबर. लेट मी चेक व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, वन मिनट देख. हाँ, सॉरी, इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम वन ओनली. देखो, एरर आने का मतलब है कि आपको नर्वस और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अगर आपको मालूम है एरर्स क्यों आ रही हैं, कहां पे आ रही हैं, तो आप फौरन वहां पे जा सकते हैं. हमने जीरो से चला दिया था लूप, जबकि हमको वन से नाइन चेक करना था, तो इसको हमने वन कर लिया, ठीक है? तो इवन प्रोफेशनल्स, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनमें भी एरर्स आती हैं, उनके प्रोग्राम में भी, ऐसा कुछ नहीं है. अगर फिर एरर आएगी तो हम फिर देखेंगे. फैसिनेटिंग नंबर, अंडरस्टैंड? नाउ द प्रोग्राम इज रनिंग प्रॉपरली. अभी नहीं, एक बार हम 85 के लिए भी चेक कर लेते हैं, 853 के लिए, सॉरी 853, नॉट फैसिनेटिंग नंबर. ओके, ये तो थे हमारे वो दो नंबर जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे. अब और भी नंबर्स हम इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, तो एक बार हम इंटरनेट से चलते हैं एक मिनट के लिए. फैसिनेटिंग नंबर, कुछ और नंबर्स देखने के लिए कि और कौन से नंबर हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से परफेक्ट हो जाए. वन नाइनटी टू इन्होंने यहां पर भी दे रखा है, बट व्हाट आर द अदर फैसिनेटिंग, 192 तो हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है. आई एम जस्ट सर्चिंग अदर फैसिनेटिंग नंबर्स. Okay, these are 219, 273 and 327 and 1902. ये भी आपके fascinating number. तो इनको भी हम safe side check कर लेते हैं एक बार. Control C, हमने नीचे वाले number को 1902 को copy किया
और कॉपी करने के बाद हम इस प्रोग्राम को फिर से एक बार रन कर रहे हैं, अगेन रनिंग, और फैसिनेटिंग नंबर. जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सारी वो डिजिट्स निकल के आएंगी जो कि एक फैसिनेटिंग नंबर की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, नाउ प्रोग्राम इज रनिंग प्रॉपरली. अब क्या करना है हमें, इसका ड्राई रन कर लेते हैं. तो ड्राई रन करने के लिए हम लोग 192 पे ड्राई रन कर लेते हैं. तो सबसे पहले आई हैव टेकन अ नंबर एन 192. तो 192 को जब हम k में कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो k में 192 आ जाएगा, लेकिन वो आपका स्ट्रिंग का 192 होगा, नो प्रॉब्लम. अगर स्ट्रिंग का है तो हम उसकी लेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेंथ कितनी निकल आएगी इसकी, तो लेंथ क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? यस, कंडीशन इज ट्रू. अब k में हमारे पास एक कॉपी तो है ये 192, एंड 192 को हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं n मल्टीप्लाइड 2 से. तो 192 मल्टीप्लाइड बाय 2, 384. साथ ही साथ हम 192 को 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो 192 मल्टीप्लाइड बाय 3, 576. अब ये पूरा नंबर हमारा k में कंटेन हो जाएगा, और इसकी हमने लेंथ निकाल ली, तो इसकी लेंथ एक्चुअली निकल आएगी कितनी, 9. ओके, z इज अ काउंटर वेरिएबल फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ जीरोस. तो अब हम काउंट कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने. एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी जीरो नहीं, इस नंबर में कोई भी जीरो नहीं है. लुक एट द क्वेश्चन, देयर इज नो जीरो. तो अगर जीरो नहीं है तो z की वैल्यू आफ्टर दिस लूप आपको जीरो ही मिलेगी. अब हम और नीचे आते हैं, एलियन लेंथ, लेंथ कितनी है, 9. 9 माइनस जीरो, बिकॉज देयर इज नो जीरो, तो 9 माइनस जीरो इज 9. 9 9 के बराबर है. इसका मतलब है कि इसमें 9 डिजिट्स तो हैं, लेकिन वो 9 डिजिट्स 1 से 9 तक होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है. अब हम नीचे आते हैं, यहां पर, ठीक है, थोड़ा और. F की वैल्यू कितनी है, हाउ मच, इट्स अ वेरी इजी लॉजिक, यू विल अंडरस्टैंड. F की वैल्यू कितनी है, 0. I की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1. हम चेक कर रहे हैं K में क्या है, ये पूरा नंबर है. क्या इस पूरे नंबर में कहीं पर 1 है? अगर हमें 1 मिल जाएगा तो वो इक्वल इक्वल टू माइनस 1 नहीं होगा. इक्वल इक्वल टू माइनस 1 तब होता है जब कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग में नहीं मिलता है. जब कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग में नहीं मिलता है तो उसका इंडेक्स माइनस 1 हो जाता है, और अगर कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग में मिल रहा है तो उसका रिजल्ट कभी भी माइनस 1 नहीं होगा. तो 1 मिनट, के में आई कितना है, 1. क्या k में 1 कहीं पे प्रेजेंट है? यस, 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट है. तो इसका आंसर कितना आएगा, 0. क्या 0 माइनस 1 के बराबर है? नहीं, 0 माइनस 1 के बराबर नहीं. इसका मतलब क्या है कि 1 नंबर में प्रेजेंट है, एक से ज्यादा पार प्रेजेंट हो डजंट मैटर, लेकिन प्रेजेंट. अब i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2. 1 के बाद 2 आता है, तो 2. अब हम चेक करेंगे कि k में 2 प्रेजेंट है, एक मिनट, तो k में 2 भी प्रेजेंट है, कौन से इंडेक्स पर, सेकेंड इंडेक्स पर. तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2. क्या 2 माइनस 1 के बराबर है? नहीं, माइनस 1 कब आएगा, जब कोई कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, जब कोई कैरेक्टर प्रेजेंट. अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या 3 k में 3 की इंडेक्स है, एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर दें इरेजर से. k डॉट इंडेक्स ऑफ 3, 3 के इंडेक्स है 3 पर, तो माइनस 1 तो नहीं है, नो प्रॉब्लम. आगे चलेंगे, कितना हो जाएगा, 4. k डॉट इंडेक्स ऑफ 4, 4 के इंडेक्स है, 4 के इंडेक्स है कहां पर,
5 पर, गुड, लेकिन वो माइनस वन नहीं, माइनस वन मतलब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैरेक्टर। अब कितना हो जाएगा, 5 भी है किस पर, 6 पे, तो माइनस वन नहीं होगा। अब 6 हो जाएगा, 6 है 8 पर है, 7 है 8 है 8 भी है 4 पे है, 9 है यस 1 पे, ओके। तो कहीं पर भी ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई, तो 1 से लेकर 9 तक सारे कैरेक्टर्स हमको मिल गए, तो F की वैल्यू 0 ही रहेगी, 1 नहीं हो पाएगी। तो F 0 है, दैट मींस नंबर इज फैसिनेटिंग। अब रुको एक मिनट, बस एक मिनट, क्लोज हो गया। अब यहां पर मान लो एक नंबर अगर होता K में, ध्यान से देखना, 1 2 3 3 4 4 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर हम इसमें चेक करते तो सबसे पहले हम किसको चेक करते, 1, तो 1 तो इसमें प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 4 तक तो हमको मिल जाता, लेकिन जब 5 आता तो 5 इसमें कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो फंक्शन रिटर्न करता माइनस वन। माइनस वन मीन द कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर इन द स्ट्रिंग। अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। अब इसमें इससे ज्यादा कोई और डिस्कशन की जरूरत नहीं, आई डोंट थिंक सो, तो दैट इज ओवर, और मैं इसको आपको सेंड कर दूंगा। लेट मी क्लियर ऑल द स्क्रीन एंड आई एम जस्ट stopping the recording. Okay, I'm done.